राकेश जी, कोरोना ने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाया हुआ है, ऐसे में जो हॉस्पिटल है उनमें जो ऑक्सीजन गैस है वो की काफ़ी कमी आ गई है, लोग काफ़ी परेशान हैं और डॉक्टर्स काफ़ी परेशान हैं क्योंकि गैस की भी काफ़ी कमी आ गई है। ऐसे में जो गैस ऑक्सीजन गैस निर्माता है उनका कहना है कि गैस की सप्लाई जो किसान आंदोलन है हो रहा है उनकी वजह से नहीं हो पा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हमारा ये कहना है पूरे रूप से जो एलिगेशन में लगा रहे हैं पूरा गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ पे दोनों हाईवे जो गाजीपुर बॉर्डर है ये हाईवे खुले हुए हैं और ये हाईवे यहाँ पे ये 24 नंबर है वो 9 नंबर हाईवे है और ये पूरी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन है, ये खुली हुई है, यहाँ से पूरी सप्लाई हो रही है और पिछले 5 महीने से यहाँ पे किसान बैठा हुआ है, जो फूड चेन की सप्लाई है, आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस है हर रोज यहाँ पे एम्बुलेंस वो किसके कहने से उन कंपनियों ने एलिगेशन लगाया कि खाना नहीं मिला, देश में गैस की कमी हो रही है, उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए, वे गैस के सिलेंडर ब्लैक में मिल रहे हैं इसलिए सप्लाई कम है कि ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं, ये पूरी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, कंपनी के सर हुए, कोई भी गैस की सप्लाई या कोई भी आवश्यक सप्लाई कोई भी किसान संगठन ने नहीं रोक रखी है, कोई चीज है तो वे हमसे आने का संपर्क कर सकते हैं, पूरी जो लाइन है वो खुली हुई है, एम्बुलेंस यहाँ से जाती है, सब यहाँ से जाती है और इसकी पूर्ण रूप से जाँच होनी चाहिए। ये 9 नंबर हाईवे वो ये 24 नंबर और वो 9 नंबर दोनों हाईवे यहाँ पर खुले हुए हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर दो दो ढाई ढाई से कई हजार दिल्ली के अंदर मामले कोविड के आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता या कर देना चाहिए कि अभी जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी खतरा है कोविड से और उनको अभी हटाया जाए और बाद में आप... नहीं नहीं, यहाँ से कोई नहीं हटेगा, यहाँ पे ये हमारा घर है, हमारे गाँव है, हमारी ये कॉलोनियाँ हैं, इसमें मकान पड़े हुए हैं, हम जो भी सोशल डिस्टेंस होगा उसका पालन करेंगे, जो भी कोविड की गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस से रहेंगे, मास्क लगाएंगे, वो पूर्ण रूप से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी नाम पे कोविड के नाम पे कहीं पे ये धरने हमारे नहीं हटेंगे, जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत सरकार की है, हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी है और हम ये हॉस्पिटल यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल नज़दीक है, इन हॉस्पिटलों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमने यहाँ पे भी कह दिया कोई भी बीमार होगा वो जिम्मेदारी हॉस्पिटल की है, वो लेकर यहाँ से जाएंगे और हम हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, अगर कुछ भी होता है कुछ भी कोई होगा। अच्छा, वैक्सीनेशन दी जा रही है, जो डोज दी जा रही है, क्या आप मांग करेंगे कि जो किसान यहाँ पे बैठे हैं उनको भी वैक्सीनेशन? नहीं, हमने कहा है यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहा है हमने कि आप लगवाओ, हमने भी एक पहली डोज लगी है क्योंकि ये हो सकता है कि फ्लाइट में जा रहे हैं तो बगैर वैक्सीनेशन के फ्लाइट में ना जाया जाए, हमने कई जगह गए तो हम वो पूरे लगा के गए और हमने कोविड के टेस्ट करवा के जाते हैं, अपना पासपोर्ट साथ लेकर जाते हैं। सर, जो किसान पास फ्लाइट में नहीं जा रहे, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या उनको उनको भी हमने कहा है कि बहुत लोग ने वो लगवा लिए है, बहुत लोग उसको लगवा रहे हैं, अपने गाँव में गए वहाँ गए तो लगवा रहे हैं उसको और लगवा लेंगे।